ये मालकिन आपका पानी। हाँ चलो मैं अंदर जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है, पानी में कुछ। आज मैं वो सब करूंगा जो मैंने सोचा है। एक तो ये मोटी इतनी है, इसको बेड पे ले जाने में ही घंटों लग जाएंगे मुझे। क्या करूं मैडम, अब रहा नहीं जाता। एक तो आपकी ये जवानी। अब कौन आ गया जो मेरे काम में विघ्न डाल रहा है। हाँ भाई, वो इस फ्लैट के मालिक ने बुलाया था, बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था तो ठीक करने के लिए आया हूँ। लेकिन मालिक तो घर पे नहीं है। उन्होंने तो फोन करके बोला था कि अर्जेंट में बाथरूम का बल्ब बदलना, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। आप एक बार चेक करो, पूछो उनसे। मेरे को परेशान कर रखा बार बार फोन करके। देखो भाई, मालिक घर पे नहीं है और मालिक के बिना ना मैं किसी अजनबी को ऐसे फ्लैट के अंदर घुसने नहीं दे सकता। अबे यार, तुम और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। नौकर होके मालिक बनने की कोशिश मत कर। मैं नहीं आवा दोबारा और ना ही फोन उठा हुआ, बदलवा लेना। आ जा जा निकल। ये तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने यहाँ आए ना। तो मैडम शुरू करें। कौन आ गया? अगर वो बिजली वाला हुआ ना तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मालिक, आप यहां इतनी जल्दी? हाँ रघु, मैं। पर मुझे देखकर के तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं मालिक, वो आप तो आज लेट आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो ऑफिस में मेरा कुछ काम था तो वो करके मैंने जल्दी खत्म कर दिया, पर मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था तो मैंने सोचा घर पे आराम कर लेता हूँ। मालिक आप मजाक कर रहे हैं, आप शायद कोई सामान भूल गए हैं, है ना? आप मुझे बताइए, मैं लेके आ जाता हूँ, आप वापस ऑफिस जाइए ना। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, चल हट, मुझे अंदर जाने दे। ये कैसे सो रही है बेतुकी तरीके से, वो भी गेट खोल करके। काजल, काजल, सम्राट तुम यहाँ पर और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी ना। मैं, मेरी फाइल, 12 बज गए, आज तो मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो मीटिंग में, वो सब छोड़ो, मैं यहाँ कैसे आई? सम्राट मैं ऑफिस के लिए रेडी हुई थी और मैं ऑफिस ही जा रही थी और रघु ने मुझे पानी ला कर दिया था और वो पानी मैंने पिया। उसके बाद सम्राट पानी में बेहोशी की दवा थी। रुको रुको, एक मिनट, मैं सब समझ गया। इसका मतलब रघु ने, अच्छा ये तभी दरवाजा खोलते वक्त ही बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। इसको तो मैं अभी बताता हूं। रघु! हाँ मालिक। हाँ मालिक, सच सच बता। क्या ये सब? तू सच सच बताएगा कि मैं पुलिस बुलाऊं? ना बताएगा? ये क्या बताएगा, बताऊंगी तो मैं, वो भी इसे। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं तुझे अपना छोटा भाई मानती थी और तूने मेरे साथ ही, छी, लेकिन तूने ये सब किया क्यों? हाँ मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मालकिन
आप ही सोचिए, हम इतने जवान हैं और आप ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे दिन घर पे घूमती थी, तो मैं बह गया मालकिन, अब मैं क्या करता, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती हुई। माफ तो मैं तुझे कर देती, लेकिन तूने ये जो भाई बहन के रिश्ते पर दाग लगाया ना, मैं उसको माफ नहीं कर सकती कभी भी। और तुझे पता है ना कि मैं तुझे किन हालातों में यहाँ इस घर में लेकर आई थी, तुझे काम पर रखा था, तू सब भूल गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुझे ना अपना एक एक दिन याद आएगा कि तू रोड पर कैसे बैठकर भीख मांगता था, क्योंकि ना तू उसी के लायक है। बस बहुत हो गया, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती और मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाकर तुझे पुलिस के ही हवाले करूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करिएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम अपने परिवार वालों के इकलौते लड़के हैं, उनका सहारा हम ही है, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो हमारे पास उनको कौन देखेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा मालकिन। मालिक मैं आपकी सजा का हकदार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा, आपको जो सजा देनी है मुझे आप दे दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं, मुझे बहुत डर लगता है पुलिस वालों से मालिक, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मालकिन, आप मालिक को समझाइए ना, आप तो मुझे छोटे भाई जैसा मानती है, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा मालकिन, मालिक प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख मैं ना तुझे एक मिनट एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चुपचाप से मेरी आंखों के सामने से निकल जा, मैंने कहा निकल जा, चल निकल। अच्छा वो सम्राट, आज तुम टाइम पर आ गए, वरना आज मेरे साथ पता नहीं